16 से WGG इसका टाइम सेट करना बताएंगे कि वो उसका टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देख लीजिए, हम हैं अभी टाइम कीपिंग मोड में जहाँ पे आपका डेट आ रहा है, डे आ रहा है, मंथ आ रहा है। ओके मंडे फर्स्ट ऑफ ऑल सर फ्रेंड्स इसमें थ्री बटन दिए हुए हैं, ये लाइट का एक मोड है, एक ये स्टार्ट स्टॉप इसी बटन से। ठीक है, तो हमको प्रेस करना है टाइम के लिए प्रेस करना मोड को। ये देखिए मैं मोड प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो वो चाहिए हमारा अलार्म मोड है, अलार्म सेट कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप वॉच, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे टाइम देखिए यहाँ पे सेकंड्स ब्लिंक कर रहा है। ओके तो यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे तो हमको यहाँ से ये लाइट वाला प्रेस करना है। यहाँ पे हम टाइम सेट करने के लिए अभी जैसे अभी कोई भी टाइम है, जैसे अभी तो टाइम इसमें शायद करेक्ट है, अब हम इसको आगे मूव करेंगे यहाँ से। ये AM PM के अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे PM आ रहा है तो ये इवनिंग का टाइम आ रहा है, बीच में ये मॉर्निंग टाइम स्टार्ट होता है। ओके अभी हमको करना है इवनिंग का टाइम, तो अभी हमको यहाँ पे PM ये आ गया 6:00, फिर नेक्स्ट हमको लाइट वाला बटन प्रेस करना है यहाँ पे। यहाँ से आप मिनट्स भी चेंज कर सकते हो, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग मिनट्स हो रहे हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फास्ट चलेगा। जो भी टाइम हो रहा है 6:40, ये मिनट सेट हो गया। नेक्स्ट हम फिर से लाइट वाला बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा मंथ है, ये मंथ यहाँ पे फ्रेंड्स 12:00, 12, 1, 2, 3, 4, 8 महीना है। नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे, ये हमारा डेट, आज डेट है हमारा 27th डेट। ये 27th डेट हो गया। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, यहाँ से डे चेंज करना है हमको, यही वाला स्टार्ट वाला बटन को प्रेस करना है। टुडे इज ट्यूसडे है, फिर अगेन हम मोड प्रेस कर देंगे, ये टाइम सेट हो जाएगा। ओके फिर से मोड प्रेस करना है, आपको अलार्म सेट करना है, तो अलार्म के लिए फिर से यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करना है हमको, और वही AM PM के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं, कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग जिस भी टाइम का हमको अलार्म यूज़ करना है। तो 4:00 का यूज़ करना है, 4:00 सेट हो गया। अगर मिनट्स में चेंज करना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ये लाइट वाला बटन प्रेस किया, मिनट्स में भी आप चेंज कर सकते हो। ओके फिर से मोड प्रेस कर देना, अलार्म सेट हो गया, अलार्म जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये अलार्म ऑन है, PM के ऊपर जो दिख रहा है ये ऑन है। ये स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉप वॉच यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से स्टॉप होगा, स्टार्ट स्टॉप से यहाँ से रीसेट हो जाएगा।